टेन एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड वो कौन कौन सी हैं और ये किसने दी ये विलियम्स आर कॉफ़ी ने बेसिकली हमें ये टेन पॉइंट्स दिए जिनको अभी one by one discuss वन बाई वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर नंबर वन अगर देखा जाए तो वो ये है कि फेलिंग टू इन्वेस्टिगेट नियर मिसिस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग एक्चुअल इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम हो जाते हैं सम टाइम इन्वेस्टिगेशन के वक़्त साउंडिंग को इतना ज़्यादा हम टच करते हैं कि जो मेन प्राइमरली फोकस इन्वेस्टिगेशन का है वो हम मिस कर जाते हैं टेकिंग इनफेक्टिव कोशनस हम लोगों ने कोक्टिव एक्शन लिया ही नहीं होता इनफेक्टिव इनफेक्टिव का मतलब है कि जो चीज़ इफेक्टिव ना हो जो हमें रिजल्ट ना दे रही हो टेकिंग इनफेक्टिव कोक्टिव एक्शन अलाउंग यूर बाइसी द रिजल्टिशन अलाउंग बाइसिस बाइसिस बाइसनेस को कहते हैं कि आप लोग अपनी ओपिनियन भी रिपोर्ट की फाइनिंग का हिस्सा बना देते हैं ये गलत है ये अनएथिकल है ये अकॉर्डिंग टू एथिक्स ऑफ रिसर्च कल्चर ठीक नहीं है यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दोबारा मैं आपसे शेयर करता हूँ थर्ड पॉइंट में इस बात पर फोकस किया गया है कि जो आपकी आर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन है उसके जो रिजल्ट हैं उनको बनाते वक्त जो रिसर्चर इंटरफ्रेंस है वो बिल्कुल ना हो जब हम रिसर्च बच्चों को टीच करते हैं तो उन्हें बताते हैं रिसर्चर इंटरफ्रेंस मिनिमल मॉडरेट एक्सेसिव मिनिमल का मतलब है कि ना होने के बराबर मॉडरेट का मतलब है एवरेज एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर रिसर्चर अपनी ओपिनियन भी ऐड कर देता है रिसर्च फाइंडिंग्स में ये गलत है फाइंडिंग्स मस्ट बी बेस्ड अपॉन डेटा एनालिसिस इसी तरह थर्ड पॉइंट्स का मतलब ये है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे उसमें बिल्कुल किसी किस्म की बाइसनेस आपके सुपरवाइजर की तरफ से शामिल नहीं होगी फेलिंग टू इन्वेस्टिगेट इन टाइमली मैनर फेलिंग टू इन्वेस्टिगेट इन अ टाइमली मैनर हम लोग इस बात को जानते हैं एज अ स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एजुकेशन यहाँ पे इस चीज़ को जानना बहुत लाजम है कि जब आप इन्वेस्टिगेट करें तो उसको टाइमली वाइंड अप करें अगर आप बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो चांसेस हैं कि आप उसके एक्चुअल रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते टेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड्स का जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है फेलिंग टू अकाउंट फॉर ह्यूमन नेचर वेन कंडक्टिंग इंटरव्यू जब इंटरव्यू लिया विटनेसेस से जो प्राइमरी विटनेस हैं सेकेंडरी विटनेस हैं या yes, इसके अलावा कोई विटनेस है उनसे जब इंटरव्यू लिया तो ह्यूमन नेचर को जेहन में रखें जिस बंदे का इंटरव्यू लिया वो बंदा क्या क्लियर है क्या वो बंदा एक्सप्रेसिव ओपिनियन रखता है क्या वो बंदा इंट्रोवर्ट तो नहीं है क्या वो एक्सट्रोवर्ट है उस बंदे की पर्सनैलिटी अपनी नेचर किस किस्म की है अब उस बंदे की जो नेचर है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू का तलक़ क्वेश्चन आंसरिंग के साथ और जैन रिपोर्टिंग के साथ होना चाहिए और विटनेस की जो गवाही है वहां पर जो श्वाहद हैं उनके साथ उसका तल्लक होना चाहिए फेलिंग टू लर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स बाजात इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन टेक्नीस से भी फेमिलियर नहीं होता इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है ही इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेकिन उस बंदे का एक्सपोजर इतना नहीं है कि दुनिया में जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स आ चुकी हैं उनको वो अडॉप्ट कर सके या उनके मतलब नो हो रखता हो उसकी तमाम लेटेस्ट टेक्निक्स के मुतल नो हो होनी चाहिए अगर तमाम लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुतल नो हो नहीं है टेक्निक्स के मुतल नो हो नहीं है तो चांसेस है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लाज एग्जिस्ट करेंगे अलाउंग पोलिटिक्स एन टू आर इन्वेस्टिगेशन बाजार ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग होती है ग्रुप ए ग्रुप बी पार्टी बी का आदमी इंजर्ड हुआ सपोज उनका प्लान होता है कि ये किसी तरह पार्टी ए के ऊपर डाला जाए ये गलत है किसी तरह भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इन्वेस्टिगेशन करते वक्त इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होगी तो जैन इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं एक्सीडेंट की जो इन्वेस्टिगेशन है या रिपोर्टिंग है उसके रिजल्ट एकोरेट नहीं होंगे फेलिंग टू कंडक्ट एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बात इन्वेस्टिगेटर बिजी होता है बहुत ज़्यादा माइन्यूटली डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम हो जाता है तो देखा ये जा गया है कि इन्वेस्टिगेटर उस बंदे को अपॉइंट किया जाता है जिस बंदे के पास रिजनेबल एम्पल टाइम अवेलेबल है और वो टेक्निक से भी फैमिलियर है और वो इंटरेस्टेड भी है सेल्फ मोटिवेटेड है जो सेल्फ़ मोटिवेटेड वर्कर होगा उसके रिज़ल्ट कम्पेरेटिवली बेटर होंगे उस बंदे से जो डिसटिस्फाइड वर्कर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउंग कन्फ्लिक्ट गोल टू एंटर इन टू एन इन्वेस्टिगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं रिपीट कर रहा हूँ अलाउंग कन्फ्लिक्ट गोल बात ऑर्गनाइजेशनल गोल डिपार्टमेंटल गोल इंडिविजल गोल में कन्फ्लिक्ट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आप लोगों का डिसीजन मेकर है जो फाइनेंस एनालिस्ट है उसकी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये उसका ऑब्जेक्टिव है लेकिन अगर वो कहे मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ हिमसेल्फ तो क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है नो देयर इज बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट तो ये पॉइंट इस चीज़ को बयान कर रहा है अलाउंग गोल टू एंटर इन टू एन इन्वेस्टिगेशन जब आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शुरू हुए इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की उस वक़्त आप पहले ही बायस ओपिनियन रखते हैं उस डिपार्टमेंट के मुतल उस शख्स के मुलक तो चांसेस हैं कि आप लोगों को एकोरेट इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग्स की नहीं मिलेगी टेन पॉइंट है फेलिंग टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ अनकोआपरेटिव पीपल बाज़ा कोऑपरेटिव लोग नहीं होते अनकोआपरेटिव लोग होते हैं अनकोऑपरेटिव का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जितना टाइम चाहिए या जिस हद तक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो जो लोग आपके डिपार्टमेंट के हैं वो उतनी इन्फॉमेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे इसको डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं अनकोऑपरेटिव पीपल अनकोऑपरेटिव पीपल की वजह से भी बाजुकात इन जो आपकी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन है एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट वे में परफॉर्म नहीं होती टेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मिस्टेक्स टू अवॉइडलीवर बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्राम एवरी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता चांसेस हैं कुछ हो सकती हैं लेकिन उनका लेवल कम होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि इन मिस्टेक की वजह से आपकी रिपोर्ट सफल हो और आपकी रिपोर्ट एकट ना बने वो एक इफेक्टिव रिपोर्ट नहीं कहलाएगी हाउ एवर

यहाँ पे ये जो लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक के हवाले से इसमें इस चीज़ को बयान किया गया है कि अगर कोई आपका जो एम्प्लाई है वो केयरफुल है अपने बहुत देहान के साथ जॉब परफॉर्म करता है तमाम एस ओ पीज फॉलो करता है तो चांसेस है कि एक्सीडेंट्स अवॉइड करेगा वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं बी केयरफुल एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स